सिर्फ प्रदेश और देश की जनता के उन मुद्दों को जिनकी लगातार उपेक्षा हो रही है, ना तो समाजवाद कोई भी पार्टी देश और प्रदेश में इस समय उन मुद्दों को नहीं उठा रही है, बल्कि सब अपने आप में उलझे हुए हैं और कहीं ना कहीं सब सीबीआई से डरे हुए हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के द्वारा जनाक्रोश रैली का आयोजन 9 दिसंबर को किया गया है लखनऊ में, और इसकी आवश्यकता हम लोगों को इसलिए पड़ी कि आज प्रदेश का जो माहौल है वो इतना विषाक्त हो गया है कि कहने की कोई बात नहीं रह गई है। लाखों लोग आएंगे लखनऊ में, बहुत बड़ी रैली होगी और निश्चित रूप से प्रदेश के जो राजनीतिक माहौल के ऊपर धुंध छाई हुई है वो धुंध छट जाएगी और हर गरीब मजदूर किसान को लगेगा कि उसके हक की आवाज उठाई जा रही, जो आवाज दबाई जा रही है। और जब केंद्र सरकार ने 4.5 साल तक जनता के लिए कुछ नहीं किया है तो अब उनको याद आया है कि अयोध्या का मुद्दा, और जनता का इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ही बार बार अयोध्या की बात हो रही है। जैसा कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि वो कुंभकर्ण को जगाने आए हैं 4.5 साल के बाद, तो हम लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि उद्धव ठाकरे जी स्वयं भी तो 4.5 साल तक सोते रहे।